स्वागत है हमारे YouTube टेक्निकल हेल्प में। और आज का जो वीडियो एकदम हटके सबसे अलग से है और पूरे YouTube पर कहीं ना मिलने वाला वीडियो है फ्रेंड। जी हाँ, आप समझ रहे हो कि ये सब फेक है, ये सब देखने के लिए, तो आप सुन लीजिए, जरा सा सुन लीजिए। यदि आपका टाइम बर्बाद लगे तो मेरे इस वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो बेकार है, फ्रॉड है, मुझे कोई फायदा नहीं, तो आप इसको डिसलाइक करके जाइएगा, मैं फिर भी कह रहा हूं। अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कभी भी किसी भी जो है व्यूवर्स का टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, जो भी बताता हूं बहुत जल्दी बता देता हूं, ठीक है। तो मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं कि जो है मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आप अपने मोबाइल का बैलेंस चेक कैसे कर सकेंगे। तो उसमें एक नंबर दिया था मैंने *99# डायल करके, तो उस पर क्या था, उसमें कुछ प्रोसेस थी अंदर जाने की और ₹1 का शुल्क भी लगता था। तो कई लोग अब ऐसा है कि अब जो है 299 वगैरह का ऐसा जो है मंथली रिचार्ज करवाते हैं तो उनमें पैसे नहीं आते, तो वो कैसे जो है चेक कर पाते, तो और भी बहुत सारी परेशानी होती। तो इसको मैंने देखते हुए एक इतना सिंपल तरीका निकाला है, जैसे हम दोस्त को मिस्ड कॉल लगाते ना, हमने किसी का नंबर डायल किया, बस मिस्ड कॉल लगाना है, जो मैं टोल फ्री नंबर आपको देने वाला हूं उससे मिस्ड कॉल लगाना है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो आप वीडियो को पूरा स्किप वगैरह मत कीजिएगा कि डायरेक्ट हम नंबर निकाल लें और फीस सीधा लगा लेंगे, तो उसकी कुछ परमिशंस हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आप सुन लीजिएगा। अगर आप नहीं पूरा फॉलो करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत आएगी उसकी, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक नंबर जो है डाल करके दिखाऊंगा, बैलेंस चेक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो सुविधा है ये अभी मैं PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक वालों को बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा SBI, मतलब सारे बैंक कवर करूंगा मैं। तो आपको किसी भी बैंक का भी हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सारे कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो अभी आपको करना सिर्फ कुछ नहीं है, आपका जो जो बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है उस बैंक में आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसी भी कंपनी का हो कोई दिक्कत नहीं, रजिस्टर्ड का यदि आपका नहीं है, और इसमें आपको ATM वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बैलेंस चेक कर सकेंगे। आपको यदि आपका जो है मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर नहीं है तो आप जाइएगा वहां पर, एक एप्लीकेशन लिखने को बोलेंगे सर जो बैंक वाले होते हैं, तो एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और उसमें आधार कार्ड लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा, तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अगर आपके मोबाइल पर जो है मैसेज आते हैं बैलेंस वैलेंस कटने से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे अधिकतर अब रजिस्टर्ड ही है मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमें प्रोसेस करनी है। फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो कट कट मत कीजिएगा प्लीज, मुझे पता है आप कट करेंगे यार। मैं ये जब भी कोई टॉपिक ढूंढता हूं आपके कमेंट्स के द्वारा, ठीक है, आपके जो भी सवाल होते हैं, तो फ्रेंड थोड़ा दिक्कत होती है शूटिंग वगैरह करने में, तो आप यार एक शेयर जरूर कर दीजिएगा करेगा। और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तभी आप लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे, आपको फायदा ना हो तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पर आपको कोई फ्रॉड वीडियो कभी नहीं मिलेंगे फ्रेंड, जो भी मिलेंगे एकदम जो है सही वीडियो मिलेंगे जो कि वर्कली करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं फ्रॉड वीडियो डाल दूं। मुझे व्यूज नहीं कमाना है, मुझे आपका प्यार और सपोर्ट कमाना है, ठीक है। तो आप पहले चलते हैं, हम वीडियो देखते हैं पूरा और इसमें पूरी डिटेल आपको बताते हैं, और आपको कुछ परमिशंस वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या इसमें जो है ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं एकदम ईजी और सिंपली वीडियो। तो फ्रेंड यहाँ पर हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर और चलते हैं अपने जो है कीपैड पर। तो यहाँ पर हमें नंबर डायल करना है 1800180223, यानी कि 1800 180 22 और 23, ठीक है। तो ये आपको नंबर जो है डायल कर देना है और लगा देना है उस सिम से जो आपके जो है बैंक में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर हम सिर्फ 2 घंटे जाने देंगे, यानी कि मिस्ड कॉल देना है, 2 घंटे जाने के बाद हम फ़ोन को कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मिस्ड कॉल दे दी है, उसके बाद फ़ोन कट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 9 सेकेंड 10 सेकेंड 11 12, और ये जो है 12 सेकंड में देखिए आ चुका है। तो हम इस मैसेज को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है मेरा बैलेंस शो कर रहा है 31,892 रुपये और 16 पैसे, तो ये मेरा बैलेंस है। और ऊपर ये मेरा अकाउंट नंबर है जो कि आपको दिख रहा होगा 1261, यानी कि ये लास्ट का जो है अंक आपको 4 अंक दिखते हैं, तो ये मेरा बैंक अकाउंट है और उसका ये बैलेंस। तो आप कितने इजीली तरीके से जो है बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, फटाफट से अभी चेक कीजिएगा। पर उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और यहां से शेयर पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप पर जा करके और अपने दोस्त या रिलेटिव के लोगों को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुँचाई जा सके। फिलहाल के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।